युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई कई योजनाएं कारगर साबित हो रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा पाकर कई युवाओं ने आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए हैं। जिला कांगड़ा के धर्मशाला निवासी अभिमन्यु ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ उठाकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। अभिमन्यु ठाकुर का कहना है कि उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत SBI बैंक से सस्ती दरों पर लोन लेकर अपना जिम स्थापित किया है, जिसमें वे युवाओं को फिट रखने के साथ ही नशे से दूर रखने में भी कार्य कर रहे हैं। अभिमन्यु ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान से प्रेरित होकर उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया है। उन्होंने कहा कि PM मोदी लगातार फिट इंडिया मुहिम का भी समर्थन करते हैं, ताकि युवा स्वस्थ रहकर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जिम स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्वावलंबन योजना उनके लिए कारगर सिद्ध हुई। अभिमन्यु ने कहा कि इससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है और साथ ही उन्होंने अपने जिम के माध्यम से 5 लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है, जिससे उनका घर भी अच्छे से चल रहा है और वे अच्छी इनकम अर्जित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिम के माध्यम से धर्मशाला व आसपास के लोगों को लाभ मिल रहा है और साथ ही युवा वर्ग नशे जैसी कुरीतियों से भी दूर रहकर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा कि इसके जरिए युवाओं सहित अन्य वर्ग के लोग कोरोना जैसी महामारी से भी अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब हो रहे हैं। जी, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं धर्मशाला का रहने वाला हूँ। मुझे ये सब प्रेरणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिली कि वो आजकल के युवाओं को यही संदेश भेज रहे हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, जिससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली और ये सोच लेकर मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। हिमाचल सरकार के द्वारा मैंने ये जिम खोला, जिसके थ्रू मुझे कम दायरे में लोन मिला था और जिससे मैं अपना घर भी चला पा रहा हूँ और अच्छी इनकम भी कमा रहा हूँ। और मैंने साथ ही साथ यहाँ पे 5 ट्रेनर रखे हैं, जिनसे उनके भी घर चल रहे हैं और अच्छी इनकम भी उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में आप सबको पता है, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं कि फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि हमने ये फिटनेस सेंटर खोला और जितने भी धर्मशाला के आसपास के लोग हैं उन्हें यहाँ पे प्रेरित किया आने के लिए, जिससे उनको फिटनेस में मोटिवेशन भी मिली है और साथ ही साथ वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी अच्छे से अपना जीवन बिता रहे हैं। और जैसे कि आजकल आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नशे चल रहे हैं यहाँ पे पूरे इंडिया में, जिससे काफ़ी युवक अपना फ्यूचर ख़राब भी कर रहे हैं। तो यही सोच लेकर मैंने ये फिटनेस सेंटर खोला था, ताकि युवक ये नशे से दूर रहे और फिटनेस में ज़्यादा ध्यान दें। साथ ही साथ आजकल सबको पता है कि कोरोना वायरस कितना फैल रहा है, जिससे कितने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कितने ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं देश में। तो मैं यही कहना चाहूँगा आज के युवा से कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिटनेस में ध्यान दें और जितना हो सके फिटनेस की ओर भागे, ताकि आप कोरोना वायरस से भी लड़ सके, अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग रखे और ड्रग्स नशे से दूर रहे। वैशाली ठाकुर ने कहा कि आजकल नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है और साथ ही कोरोना महामारी भी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करते हैं। वैशाली ने कहा कि वर्कआउट के जरिए युवा खुद को फिट रख सकते हैं, साथ ही अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकते हैं। मेरा नाम वैशाली ठाकुर है, मैं धर्मशाला की रहने वाली हूँ और मैं इस जिम की मेंबर हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल बहुत ज़्यादा ड्रग्स और चल रहे हैं और कोरोना वायरस की भी बहुत महामारी फैली हुई है, तो प्रधानमंत्री भी हमें इसी चीज़ के लिए स्ट्रेस आउट करते हैं कि अपनी फिटनेस को लेकर युवा जो हैं आगे बढ़ें और देश के लिए कुछ करें, और ताकि हम वर्कआउट करके जो है अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग कर सकें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को बना सकें और अपने देश के लिए कुछ योगदान दे पाएँ। विनीत का कहना है कि वे जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो रही है और वे बेहतर तरीके से अपने परिवार का
पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में इम्यूनिटी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी फिटनेस को बरकरार रखकर हम इस महामारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। मेरा नाम विनीत है, मैं इस जिम में बतौर फिटनेस ट्रेनर काम करता हूँ। लगभग एक साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना, अपने फैमिली के लिए मैं इनकम जनरेट कर पा रहा हूँ इसी शहर में रहकर। उसके साथ ही हम युवा जो यहाँ का है उसको, युवा और हर एज ग्रुप में हम फिटनेस की एक अवेयरनेस लेके आते हैं। और जैसे मैं पता है अभी कोरोना काल चला हुआ है, इम्यूनिटी वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो जिम में आके फिटनेस अपनी बरकरार रख के हम इस वायरस से और अच्छे से लड़ सकते हैं। अमन राणा का कहना है कि प्रधानमंत्री की फिट इंडिया मुहिम से प्रेरित होकर वे अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि वे खुद को नशे से दूर रख सकें। उन्होंने कहा कि वे खुद को पहले से फिट महसूस कर रहे हैं और कोरोना जैसी महामारी से भी फिटनेस के जरिए बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। मेरा नाम अमन राणा है, मैं कचहरी का रहने वाला हूँ और मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम फिटनेस में करते ज्वाइन किया है। यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोलते हमें एक वो दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें, तो इसलिए बोलते हम एक अच्छी फिटनेस की ओर बढ़ते जा रहे हैं और मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था और अब मैं ज़्यादा फिट हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा फिट हो रहा हूँ और मैंने इसीलिए बोलते ये फिटनेस ज्वाइन किया था। मेरे जो गुरु हैं उन्होंने मेरे को अच्छी शिक्षा दी है इस चीज़ के लिए और मैं यही चीज़ बाकी लड़कों से और बच्चों से भी चाहता हूँ कि वो अपनी फिटनेस की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे COVID-19 चल रहा है तो इसमें इम्यूनिटी का सबसे बड़ा हाथ है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम भी स्ट्रांग होंगे, तो इसलिए हमें ज़्यादा फिटनेस, योगा, जिम एक चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी फिटनेस ज़्यादा बढ़े और स्टैमिना बढ़े और इम्यूनिटी भी बढ़े, जिससे हमें COVID-19 ना हो।